नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच जो आपको पता आना चाहिए इन इंडियन लॉ। प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज़ आप सबको पता है कि कोरोना वायरस किस तरह फैल चुका है और कितना कुछ कर रही है हमारी गवर्नमेंट उसके लिए, तो हमारा भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करना बनता है। बेसिकली द पॉइंट इज़ नॉट दिस कि हमने कोरोना वायरस से अपने आप को सेफ्टी कैसे रखनी, क्या करना है। बात यहाँ पे इस चीज़ के लिए है कि न्यूज़ काफ़ी आ रही है जिसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया है इस दौरान। उसकी वजह भी है क्योंकि हस्बैंड वाइफ घर में ज़्यादा रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ बहस हो ही जाती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसको लेकर हम कुछ आपके लिए सोल्यूशन लाए हैं, एंड आई होप आप उसको फॉलो करेंगे, जिससे कि आपके घर में तनावपूर्ण स्थिति नहीं रहेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना ये टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्लीज़। सबसे पहली बात, एक दूसरे को तानेबाजी ना करें, पिंग करने की कोशिश ना करें, और कोशिश करें कि बहस ना करें। बहस किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि बहस हो रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। अगर आप ताने मारना या एक दूसरे को तंज करना बंद करेंगे, अपने आप उस चीज़ों पे बहस भी नहीं होगी। टॉपिक्स ऐसे शुरू कीजिए जिसमें आप लोग बहस ना कर सकते हो, नॉर्मल आप लोग डिस्कस कर सकें इन चीज़ों को। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ हो गया है तो बातों को खींचे ना, उसको वहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि जितना लंबा आप बात को खींचने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है वो बढ़ेगा। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अवॉइड रहिए, अवॉइड कीजिएगा। कोशिश कीजिए गेम्स खेलें, जैसे लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, और भी ताश वगैरह जो भी आप लोग को आता हो, कुछ भी ऐसा, कुछ डिफरेंट गेम्स, बच्चों को कोई आते हो, कुछ पता हो, उससे रिलेटेड कुछ खेल सकते हैं, कोई क्विज कंपटीशन इस टाइप का कुछ खेल सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखें या उनको कोई नई चीज़ें बताएं, क्योंकि बच्चे अगर आप लोगों के साथ ये लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ भी देखेंगे तो उनके ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें, बच्चों के बारे में सोच के चलिएगा किसी भी चीज़ को करने से पहले, अगर आपके बच्चे हैं तो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं या कोई भी इससे रिलेटेड क्वारीज हैं तो आप ज़रूर मुझे नीचे अपने कमेंट्स कर सकते हैं, सो दैट अगर मुझे कुछ भी ऐसा मतलब मुझे लगा तो मैं डेफिनेटली आपको उसका सलूशन दूंगी। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप खाने की नई डिशेस बना सकते हैं, जैसे कई लोगों को शौक होता है, मेल्स को स्पेशली, ज़्यादातर मेल्स के हाथ के खाने का टेस्ट ही अलग होता है, तो अगर वो चाहें तो कुछ खाने में बना सकते हैं नई नई चीज़ें। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं खाना बनाने में, सर्व करने में, तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। नहीं, अगर ये सब चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं तो आप इंटरनेट सर्फिंग कर लीजिए, नेट पे कुछ भी नया, ये कोई मूवी देख सकते हैं, टीवी देख लीजिए, आजकल रामायण चली हुई है, रामायण आप देख सकते हैं। इसके अलावा बातचीत में प्रॉब्लम्स ना ढूंढें, बातचीत करें तो उसके अंदर सॉल्यूशंस होने चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स ही करोगे और एक दूसरे की बातों को लेकर, पुरानी बातों को उखाड़ उखाड़ के लेकर आओगे तो झगड़ा बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। अंदर मन के अंदर पता नहीं कब के कौन से टाइम की चीज़ें जमा होंगी, वो निकल के बाहर आएगी। जैसे कि एक दूसरे को लेकर एक दूसरे की सोच आपको लगेगा नेगेटिव हो रही है, अच्छा मेरे बारे में ऐसा सोचती थी या मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये चीज़ें होंगी, इससे भी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है। तो पुरानी बातें लेकर ना आए, बातें वो करें जिसमें कि सल्यूशंस हो, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इसके अलावा आप किसी भी मतलब किसी की बातों या आदतों को लेकर उसको ना बोलें, जैसे नॉर्मली फीमेल्स की आदत होती है, जैसे कोई सो रहा है तो ज़्यादा वो चीज़ सोने के ऊपर बोलना, या लेट नहाने के ऊपर बोलना कि अभी तक नहाया नहीं, कपड़े नहीं चेंज करे, अभी तक बेड पे ही लेटे हुए हो, सोफे पे ऐसे बैठे हुए हो, डाइनिंग पे ये नहीं करना, सामान वान नहीं रखना, ये ना इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि इंसान थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। आप कोशिश कीजिए कि आप रिलैक्स हों और रिलैक्स करवाएं।
अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है आप उठा के उसको रख दीजिए, बट अननेसेसरली इन सब चीज़ों को वहाँ पे ये ना बोले कि इतना टीवी देख रहे हो, इतना नेट पे लगे पड़े हो, या फिर फ़ोन उठा के चेक करना, फ़ोन की डिटेल्स देखना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाती हैं। तो कृपया ये सब चीज़ें ना करें, ये मेरा स्पेशली फीमेल से अनुरोध है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करके चले, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई भी भड़क सकता है, और अगर कोई मेल ऐसा करता है तो वो भी गलत है, उनको भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। एक दूसरे की आज़ादी छीनने के लिए आपको ये टाइम नहीं दिया गया है, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए नहीं दिया गया है, एक दूसरे के अंदर खूबियां ढूंढें, एक दूसरे ने आपके साथ क्या अच्छा किया वो देखें, आप लोगों ने कौन सा अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया वो देखें, आप लोग और अच्छा क्या कर सकते हो, किसके अंदर कौन सी क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा गड़े पुराने मुर्दे उखाड़ के ना रखें प्लीज़, क्योंकि उससे भी झगड़े बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है आप उसके पर बात कीजिए, पास्ट को लेके कोई भी चीज़ को ना तो ड्रैग कीजिए और ना ही पास्ट को लेकर आप आइए, बिकॉज पास्ट तो पास्ट है जो चला गया, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट बिकॉज हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और एक बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा, एक दूसरे को डोमिनेट ना करें, स्पेशली बच्चों के आगे, या खुद भी ना हो डोमिनेट, मतलब एक दूसरे के इंसल्ट ना करें, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को बुरा दिखाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को समझें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, कुछ सोल्यूशंस अगर आप किसी को दे सकते हैं तो वो दें, एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे। इतना अच्छा और हेल्दी एटमोसफियर अपने पार्टनर को दीजिए कि वो आपके साथ अपनी बातें शेयर कर सके और आप उसकी बातों को समझ सके, या आप उसके साथ अपनी बातें शेयर करें और वो आपकी बातों को समझे। और अगर अगर आपको ऐसा गलती से भी लगता है कि यहाँ पे बात करने का बोलने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सामने वाला इंसान समझना ही नहीं चाहता, आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दीजिए, उस टॉपिक पे, उस बात पे कोई भी आगे बात ना बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए साथ में, लेकिन खुश रहिए, और अगर खुश नहीं है तो थोड़ा सा कॉर्नर कर लीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा साइड हो लें, थोड़ा सा गैप दें, डिस्टेंस मेंटेन कर लें। उसके लिए आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से कॉन कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में दो चार अपने फ्रेंड्स वगैरह लीजिए, उनको आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनके साथ, अपनी पुरानी बातें याद कीजिए, कॉलेज टाइम की या फिर नॉर्मल अपने ऑफिस टाइम की जो भी है, मतलब अब दैट्स डिपेंड कि आप किन को कॉल कर रहे हैं, कई ऐसे पुराने फ्रेंड्स होंगे शायद जिनको काफ़ी टाइम से आपने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया होगा, उनसे भी बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे का हालचाल तो पूछ ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने जाके नहीं मिल सकते या वैसे बात नहीं कर सकते, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और एक्टिव है कि आप आराम से वीडियो कॉल, कॉन कॉल ये सब कर सकते हैं, बातचीत करना चाहें तो, नहीं तो फिर घर के कामकाज में मदद कीजिए, फैमिली के साथ बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए उसमें, ताकि बच्चों को भी कुछ सिखाए कि बेटा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देख के ही समझेंगे, सीखेंगे और नई चीज़ें उनके सामने आएंगी, बट आप लोग अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो वो भी नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप लोग बातचीत करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी एक दूसरे की पेरेंट्स को लेकर बातचीत ना करें, एक दूसरे के पेरेंट्स के अंदर की कमियाँ ना निकालें, और एक दूसरे के पेरेंट्स को ब्लेम ना करें पैसों को लेके, या काम को लेके, या दिक्कतों को लेके, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बातें लेकर, इन सब चीज़ों के ऊपर बातें ना ही करें और इन टॉपिक्स को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। इससे डोमेस्टिक वायलेंस आपके कम होंगे, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और मुद्दे बिगड़ेंगे नहीं। चीज़ों को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती आई हूँ, बैठिए बातचीत कीजिए, बट अगर ऐसा लगता है कि बातचीत करने से चीज़ें नहीं सोल्यूशन में आ रही हैं और आप लोग आपस में बात करके प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर पा रहे हो, तो गैप मेंटेन कर लीजिए। गैप आप घर में मेंटेन कर सकते हो, अपने आप को किसी काम में बिजी रख के, कुकिंग के किसी काम में रख के, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, बुक्स पढ़ के, डस्टिंग कर लीजिए, कुछ भी ऐसा जिससे आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा बिजी हैं, सो जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। और पति को स्पेशली ये चीज़ें ध्यान देनी कि उसने कोई भी ऐसे तीखे शब्द या चुभने वाली बातें अपनी वाइफ को नहीं बोलनी है, और पत्नी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो
अब सॉरी, पत्नी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को कोई भी तीखी बातें या तीखी चीज़ें या चुभने वाली कोई भी बात ना बोले, जैसे कि सामने वाले को हर्ट हो, बुरा लगे, या होता है पेरेंट्स के लिए अगर आप किसी के बोलोगे या कोई भी बात अगर उनके पेरेंट्स से रिलेटेड या पास से रिलेटेड या सिस्टर्स के ऊपर या फिर घर फैमिली या किसी भी चीज़ को लेकर आप बोलोगे तो पति को बुरा लगेगा। नौबत यहाँ तक भी आ सकती है कि हाथ ही उठा ले, तो यहाँ पति को समझना चाहिए कि उनको अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठाना। बात को बातचीत करके समझाया और नॉर्मल किया जा सकता है। तो पति को हाथ नहीं उठाना और बीवी को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जिससे कि झगड़े को बढ़ाया जाए। और इसके अलावा अगर लड़ाई हो गई है तो बात को ज़्यादा ना खींचें। जितना ज़्यादा आप चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, अपना मुंह फुला के बैठे रहेंगे, अवॉइड करेंगे, मुंह फेर के सोएंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें और गैप ही मेंटेन करेगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जब भी कभी लड़ाई होती है तो एक इंसान को शांत होना पड़ता है। अब वो आप डिसाइड कीजिए कि आप मेल हो तो शांत रहोगे, आप फीमेल हो तो शांत रहोगे। दोनों में से किसी एक को शांत रहना पड़ेगा और चीज़ को समझना पड़ेगा कि अभी इसके बारे में बात ना करी जाए, अभी इस बहस को ना बढ़ाया जाए, बच्चों के सामने इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम बेसिकली आज अगर इस सिचुएशन में हैं तो हम क्यों हैं। इसके अलावा इंटरनेट सर्फिंग वगैरह कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि लड़ाई भड़क रही है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप इंटरनेट देख लीजिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, मेरी इतनी सारी वीडियोज़ हैं उसको देख सकते हैं आप। इसके अलावा आप कॉल कॉल का मैंने आपको बताया था, फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर चाहें तो। और आप बेसिकली जो ये टाइम मिला है आपको, बार बार ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप लोग बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आपका ऑफिस टेंशन नहीं है, सब कुछ बंद है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये चीज़ें बार बार तो नहीं आएंगी। तो अभी जो ये टाइम आया है, प्लीज़ अपना क्वालिटी टाइम दें, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें फैमिली के साथ, खुश रहने की कोशिश करें। एंड मेन जो चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि भारत में, हमारे भारत देश में गवर्नमेंट हमारी कितनी, देखिए आप अगर देखेंगे तो डेली बेसिस पे कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बट फिर भी उस चीज़ की चिंता ना करते हुए देश की जनता के बारे में, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है कि वो ज़िंदा रहें। हम सिर्फ उसमें इतना कंट्रीब्यूशन तो दे ही सकते हैं कि आपस में शांति बनाए रखें। आप सोचिए कितने हमारे पुलिसकर्मी, हमारे नर्सेस, डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी पे खेल रहे हैं, कितना हम लोगों की लाइफ को सेव करने के पीछे लगे पड़े हैं, और हम अपने घर में, हमें शांति से बोला गया है बैठिए और घर में रहिए, क्या हम वो भी नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस शांति को मेंटेन करके रखें, और ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते तो प्लीज़ इतना कंट्रीब्यूशन कर दीजिए कि आप घर में शांति बनाए रखें। ये मेरा आप सभी फीमेल से और मेल से अनुरोध है, ताकि बच्चों के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वो भी घर में रहें तो खुश रहें, परेशान ना रहें। मेरी एक ही दुआ है आप सब लोगों के लिए, खुश रहें, खुशहाल रहें। बिकॉज एक चीज़ तो बहुत बड़ी फैक्ट है, हैप्पीनेस इज़ द ग्रेटेस्ट की ऑफ रिड्यूसिंग वायलेंस। सो हमने लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना है, घर में खुशियाँ लानी है, और देश को अपना एक कंट्रीब्यूशन दें, शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति रहेगी तो खुशियाँ रहेंगी, और खुशियाँ रहेंगी तो हम सब खुशहाल रहेंगे। सो खुश रहिए और खुशहाल रहिए। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कुछ और नई वीडियोस के साथ आपके साथ जल्दी जोड़ूं। बाकी आप लोगों को अपने कमेंट्स या कुछ भी बात अपने शेयर करनी हो, या कुछ भी आपने बताना हो, या आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में कोई डिस्कस करना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे जितना होगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। मैंने यहाँ थोड़ी कुछ बातें बताई हैं जिससे कि आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए और चीज़ों को बढ़ाया ना जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे शांति रखी जाए। सो बेस्ट ऑफ लक।